बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को लेकर बड़ा फैसला किया है। अब श्री कृष्ण जन्म स्थल के 10 किलोमीटर के दायरे को तीर्थ स्थल घोषित कर दिया गया है। इस क्षेत्र में आने वाले 22 नगर निगम वार्ड के क्षेत्रों में शराब और मांस की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में कृष्ण जन्माष्टमी पर इशारा किया था। सीएम योगी ने मथुरा में कहा था कि इस स्थल को तीर्थ स्थल घोषित किया जाना चाहिए और यहां पर शराब व मांस की बिक्री नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि अधिकारियों से इस संबंध में वे प्रस्ताव मांगेंगे। सीएम योगी ने कहा था कि मैं खुद प्रशासन से कहूँगा कि इसके लिए योजना बनाकर प्रस्ताव पेश करें, इस पर काम किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी को परेशान नहीं होने दिया जाएगा और सभी का व्यवस्थित तौर पर पुनर्वास होगा। सीएम ने साफ तौर पर कहा था कि जिन भी लोगों के व्यवसाय पर इस फैसले से फर्क पड़ेगा उन्हें दूसरी जगह पर काम दिया जाएगा और इस क्षेत्र से हटाया जाएगा। सीएम योगी ने कहा था कि 2017 में पहले यहाँ नगर निगम का गठन करवाया गया था, फिर नगर निगम के गठन के साथ यहाँ के 7 पवित्र स्थलों को तीर्थ स्थल घोषित करवाया और तीर्थ स्थल घोषित होने के बाद अब यहाँ पर सबकी इच्छा है कि इन सभी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का मद्यपान या मांस का सेवन ना हो और ये होना भी नहीं चाहिए। ऐसे ही अन्य अपडेट्स के लिए और ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए मीडिया दरबार से। धन्यवाद।